दोस्तों, आपने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का कैलकुलेशन डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से किया होगा। कहने का मतलब है कि यूटिलिटी फंक्शन दिए होने पर मार्शलियन डिमांड फंक्शन और इनडायरेक्ट यूटिलिटी का कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। अगर केस को अपोजिट कर दिया जाए, अगर कहा जाए कि कैलकुलेशन करो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को कहां से, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से, तो ये वीडियो में मैं इसी चीज का डिस्कस करूंगा। ये एक नया कंसेप्ट है, आप सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को लिखेंगे, और आपको मैं एक होमवर्क भी दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। इनडायरेक्ट जो यूटिलिटी फंक्शन होता है, विच इज द फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम बी आर डिनोटिंग बी, बी इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई, या प्राइसेस ऑफ गुड्स भी आप सिंपली इसको कह सकते हो। तो मैं एक इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है। तो बी स्क्वायर टू फोर टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है और इससे मुझे कैलकुलेशन करना है डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का। तो जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो फंक्शन होता है, वो डिनोट करता है मैक्सिमाइज्ड, मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी, जिसको हम यू से डिनोट कर सकते हैं, यू डैश या सिंपली यू से। ये मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी होता है कि जो हम रुपीस खर्च किए टू गुड्स पर, उसके रिटर्न में किस प्रकार का ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन हमने प्राप्त किया, वो चीज को बतलाता है। तो जहां भी है वहां यू लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, यू इक्वल टू ए, वी इक्वल टू यू। तो यू लिखा इक्वल टू, इसका जो वी का वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं, बी स्क्वायर फोर टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। अब इसको सॉल्व फॉर बी, बी क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, और यहाँ ये एज्यूम किया जाता है कि आप कोई भी कंज्यूमर अपना इंटायर जो इनकम होता है वो कंजप्शन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई पर खर्च कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंडिचर होगा वो इनकम के बराबर होगा। तो इसको हम यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू फोर प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। अब इस चीज को आगे भी हम बढ़ा के लिख सकते हैं, अगर बी स्क्वायर इधर है तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, बी इधर पावर टू है तो उधर पावर क्या होगा, वन बाई टू। तो यू टू दी पावर हाफ, फोर टू दी पावर हाफ, या अंडर रूट भी आप लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ, ठीक है। ये निकल गया। अब आसानी से आप बी इक्वल टू आप लिख सकते हो, फोर का अंडर रूट करोगे, इसका मीनिंग होता है फोर टू दी पावर हाफ, इसका टू होगा, मैं टू लिख दिया, बाकी सबका एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। प्राइस ऑफ एक्स बाय एक्स ऑफ वाई बाय पावर हाफ वन बाय टू, ये जो हमारा निकल गया बी इक्वल टू। और हम ये जानते हैं कि बी जो होगा एक्सपेंडिचर फंक्शन के बराबर होगा, क्योंकि कंज्यूमर अपना इंटायर इनकम गुड्स एक्स एंड वाई पर खर्च किया कर देता है, तभी तो उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगा। अगर वो पूरा नहीं खर्चा करेगा तो मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगा ही नहीं। तो ये किसका फंक्शन है, मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन इनकम, प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ। अब ये जब निकल गया तो नेक्स्ट टास्क है हमारा, कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई निकालें। तो
वो हम काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने निकाल चुका है सो फार एक्सपेंडिचर फंक्शन और कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर एक्स एंड जो वाई गुड्स होगा इसको हिक्सियन डिमांड फंक्शन कहते हैं। वो सिंपली इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर फंक्शन मैं लिख देता हूँ इक्वल टू टू यू टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ, ये हो गया। अब इसका जैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसा कि सीफर्ट लेमा में हम लोग करते हैं, तो क्या होगा देखो, ये सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स में ऑपरेशन होगा। तो टू ये सब फिक्स है, इसको पहले लिख देते हैं यू टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ, और इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पावर कम फर्स्ट और उसमें इसके पावर में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस वन, तो रिजल्ट होगा माइनस वन बाय टू। वन आप घटाओगे, सॉरी वन बाय टू में अगर माइनस वन घटाओगे कैल्सियम लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप लॉ ऑफ इंडिसेस से अगर इसका प्लेसमेंट क्या पर है न्यूमोरेटर में, अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये पावर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्लस टू सॉरी टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमोरेटर में डिनोमिनेटर में। अब है यू टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ, और ये आ जाएगा प्राइस ऑफ एक्स लिखेंगे। अब इसका जैसे ही जर्मनी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा लॉ ऑफ इंडिसेस में होता है। एक्स ए टू दी पावर एम, तो इसको अगर हम शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा, अब फिर इसको नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। तो ये जो हमको मिल गया एक्स कॉमोडिटी एक्स का हमारा ये वैल्यू मिल गया, जो कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन भी था, ये कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स वाई, तो वाई का भी आप निकाल सकते हो। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे एक्सपेंडिचर फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में प्राइस ऑफ वाई। तो पहले सारा चीज लिखते हैं, मूवमेंट किस में दिखेगा, सिर्फ प्राइस ऑफ वाई में ही, यहां से यहां तक एज इट इज रहेगा। तो टू फिक्स लेवल यूटिलिटी मैक्सिमाइज लेवल ऑफ यूटिलिटी प्राइस ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, अब प्राइस ऑफ वाई का है तो पावर कम फर्स्ट, जैसा कि मैंने प्राइस ऑफ एक्स में किया था माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो ये टू टू कैंसिल, अब यहाँ पर हमारा आ रहा है यू टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, और ये नीचे चला जाएगा तो प्राइस ऑफ वाई टू दी पावर हाफ, ये हमारा कैलकुलेट हो गया कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स वाई। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, तो वो काम हम लोगों को करना पड़ेगा। पहले आपको एक चीज एज्यूम करना पड़ेगा, पहले आप ले लो एक्स कॉमोडिटी का जो निकाले हम लोग वो क्या है, यू टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ वाई टू द पावर हाफ प्राइस ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है। ये कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स है, यही है भाई, यहां से हम ले लिए। अब इसको पी के बराबर मानना पड़ेगा प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, हमने ऐसा एज्यूम किया लेट टू बी या एज्यूम किया। अब इसको जैसे हम करेंगे हमारा जो यहाँ पर गुड्स जो हमारा है कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स वो क्या है, पी बाय वाई पी वाई बाय पी एक्स में है। तो यार यहाँ मैंने जस्ट इसको रिलेटिव प्राइस कर लू प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई। अब इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा, ये वन बाय पी हो जाएगा रेसिप्रोकल, मैंने उलट देना है तो ये प्राइस ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल में मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको भेज दो न्यूमोरेटर में और न्यूमोरेटर को डिनोमिनेटर में, जैसे ये डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमोरेटर में है इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला गया न्यूमोरेटर में, और प्राइस ऑफ एक्स न्यूमोरेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। अब क्या करना है,
अब इसका वैल्यू जो हमारा x इक्वल टू u टू दी पावर हाफ जो है, अब प्राइस ऑफ y बाय x है, इसका वैल्यू क्या हो गया, वन बाय पी हम लिखेंगे, लेकिन इसके साथ एक अटैच है वैल्यू, दोनों में पावर हाफ है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो फाइनली हमारा फिगर जो होगा u टू दी पावर हाफ p टू दी पावर 1/2। अब ये यहां पर हमारा फाइनल फिगर आ रहा है x इक्वल टू u टू दी पावर हाफ बाय p टू दी पावर हाफ। अब इसको सॉल्व करेंगे p के लिए, ठीक है, तो p के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा, तो p टू दी पावर हाफ इंटू x इक्वल टू यू टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब यहां पर पी टू दी पावर हाफ इक्वल टू हो जाएगा यू टू दी पावर हाफ बाय एक्स, ठीक है, ये हो। अब ये रिजल्ट हमारा जो हो गया, इसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे गुड्स वाई, कंपेंसेटिव डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स वाई में, तो हम डायरेक्ट यूटिलिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गुड्स वाई आप देख सकते हो, यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर गुड्स वाई है, तो अब इसको करते हैं काम, ठीक है। अब यहां पर देखो वाई इक्वल टू यू टू दी पावर हाफ प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई, जब दोनों का पावर हाफ है तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। अब यहां पर आपने इतना बराबर हम लोगों ने क्या माना था p, तो वो लिखते जाओ यहां पर y इक्वल टू u टू दी पावर हाफ, तो इतना बराबर हम लोगों ने p माना था, ठीक है, वही p हमको दिख रहा था, p टू दी पावर हम हाफ कर देते, ठीक है। अब नेक्स्ट टास्क है, जो मैंने p टू दी पावर हाफ का वैल्यू जो निकाला है मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो कर देता हूं y इक्वल टू यू टू दी पावर हाफ, और p p टू दी पावर हाफ का वैल्यू ये है u टू दी पावर हाफ बाय x। अब ये दोनों का बेस सेम है, जब भी किसी का बेस सेम होता है तो उसका पावर को ऐड कर दिया जाता है, अगर वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर n प्लस n, तो हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1 होगा, ये हो गया y इक्वल टू यू बाय x हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू यू। तो फाइनली हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन मैंने निकाला, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू एक्स टाइम्स वाई। अब ये यूटिलिटी फंक्शन जो निकाले, तो आपका टास्क मैं दे रहा हूं, इससे आप इनडायरेक्ट यूटिलिटी या एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना, जब एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालोगे इतना आता है कि नहीं, और जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो मैंने बताया था बी स्क्वायर बाय 4 टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, ये निकाल के देखना, अगर मिलता है तो देखा देखना, ये श्योर मिलेगा आप करके देखना। यहां पर हमने सीखा कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट यूटिलिटी फ्रॉम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, और आई होप एवरीबॉडी एंजॉय दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।